हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम बात करेंगे इंडियन ने भी जीडी और ट्रेड में नई भर्ती 2023-24 के बारे में जिसकी एक नई अपडेट जारी कर दी गई है वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हम इंडियन कोस्ट गार्ड नई भर्ती 2023 डिटेल्स चेक करेंगे अगर हम नेम ऑफ एग्जाम की बात करें तो हमारा नेम ऑफ एग्जाम जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड रखा गया है अगर हम बैच की बात करें तो हमारा बैच एक 2024 रखा गया है अगर हम पोस्ट नेम की बात करें तो हमारा पोस्ट नेम नेवी जनरल ड्यूटी के लिए भर्ती निकाली गई है नेवी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए इन सभी पदों के लिए भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी अगर हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो हमारा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 255 भर्ती निकाली गई थी लेकिन अभी इससे ज़्यादा वैकेंसी बढ़ा दी गई है अगर हम मोड ऑफ़ एप्लीकेशन की बात करें तो हमारा मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड रखा गया है यानी इंडिया के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन ही आवेदन कर पाएंगे अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो हमारा लास्ट डेट अवेलेबल सुन पर रखा गया है यानी बहुत ही जल्द लास्ट डेट जारी कर दी जाएगी अगर हम जॉब लोकेशन की बात करें तो हमारा जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रखा गया है यानी इंडिया के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे अगर हम इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड नई भर्ती 2023-24 तेईस इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो हमारा इम्पोर्टेंट डेट अगर हम स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें यानी स्टार्टिंग डेट की तो अवेलेबल सुन पे रखा गया है बहुत ही जल्द जारी होने वाली है अगर हम क्लोजिंग डेट की बात करें तो हमारा क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन भी अवेलेबल सुन पे रखा गया है उसके बाद अगर हम लास्ट डेट ऑफ़ फ़ीस पेमेंट की बात करें तो हमारा लास्ट डेट ऑफ फ़ीस पेमेंट भी अभी जारी नहीं की गई है एडिट विंडो की बात करें तो जारी नहीं की गई है एडमिट कार्ड भी अभी जारी नहीं की गई है अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो हमारा एग्ज़ाम डेट भी अभी जारी नहीं की गई है अगर हम इंडियन कोस्ट गार्ड नई भर्ती दो हज़ार तेईस चौबीस एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो हमारा एप्लीकेशन फ़ीस जनरल ओ बी सी ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट्स के लिए तीन सौ रुपये की फ़ीस रखी गई है अगर हम एस सी एस टी कैंडिडेट्स की बात करें तो जीरो फ़ीस यानी एस सी एस टी कैंडिडेट्स को कोई भी फ़ीस पे नहीं करना है अगर हम पेमेंट मोड की बात करें तो हमारा पेमेंट मोड ऑनलाइन मोड रखा जाएगा यानी सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से अपना फ़ीस पे कर पाएंगे अगर हम इंडियन नेवी नई भर्ती 2023-24 वैकेंसी डिटेल्स देखें तो नेवी जनरल जनरल ड्यूटी यानी जीडी की बात करें तो जीडी के लिए 225 वैकेंसी रखी गई है अगर हम नेवी डोमेस्टिक ब्रांच यानी डीबी की बात करें तो डीबी के लिए 30 भर्ती रखी गई है अगर हम इंडियन कोस्ट गार्ड कैटेगरी वाइज़ वैकेंसी डिटेल्स देखें तो सबसे पहले अगर हम नेवी जीडी की बात करें तो जनरल के लिए या ईडब्ल्यूएस के लिए अभी जारी नहीं की गई है अगर हम इंडियन नेवी नई भर्ती 2023-24 एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो हमारा क्वालिफिकेशन अगर हम नेवी जनरल ड्यूटी की बात करें तो टेन प्लस टू यानी अगर आपने इंडिया के किसी भी बोर्ड से दसवीं या बारहवीं पास की है फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड सब्जेक्ट के साथ तो ही आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे अगर हम नेविक डोमेस्टिक ब्रांच यानी डीबी की बात करें तो डीबी के लिए अगर आपने इंडिया के किसी भी बोर्ड से दसवीं पास की है तो ही आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे अगर हम इंडियन नेवी नई भर्ती 2023-24 एज लिमिट की बात करें तो अगर हम मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 22 साल तक रखा गया है यानी 18 साल से लेकर 22 साल तक के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग अगर हम ए सी कैंडिडेट्स की बात करें तो पाँच साल और ओ कैंडिडेट्स के लिए तीन साल की छूट देखने को मिल जाएगी अगर हम इंडियन नेवी नई भर्ती 2023-24 सैलरी और पे स्केल की बात करें तो एज पर रूल्स पे अभी रखा गया है अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें अगर हम हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर और फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो अगर हम रनिंग की बात करें तो 1.6 किलोमीटर रनिंग रखा गया है अगर हम टाइम की बात करें तो सेवन मिनट टाइम रखा गया है अगर हम स्क्वाट ऑप्स की बात करें तो ट्वेंटी स्क्वाट ऑप्स रखा गया है अगर हम इंडियन नए इंडियन नेवी नई भर्ती 2023 हज़ार तेईस चौबीस इंपॉर्टेंट लिंक की बात करें तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है आप अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे जब इसकी लिंक एक्टिव हो जाएगी अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से शॉर्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे अगर आप ऑफिशियल साइट पर जाना चाहते हैं तो इस वाले सेक्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से ऑफिशियल साइट पर जा पाएंगे अगर आप भी इंडियन नेवी के फॉर्म के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जैसे ही इसकी कोई और भी नई अपडेट आती है तो मैं इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूंगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद